बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुड्डू भाई, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं आजमगढ़ में? कुछ नहीं, सिवाय इसके मैं कुछ नहीं कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव 200% जीत रही है, जीत जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, यहाँ की सम्मानित जनता लड़ रही है। इससे मुकाबला मान रहे हैं? ये लोग बहुत पीछे रहेंगे, आपस में वो कौन लड़ेगा ये अभी अंदाजा हो जाएगा। अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं यहाँ पर, उसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने मुझे उसका आइडिया है, मैं ये कहता हूँ कि शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा, इतनी बड़ी फौज भेजी थी उन्होंने लड़ने के लिए, हैं हजारों लोग बैठे हुए थे, तो बताया तो होगा ना लोगों ने कि जमीन पे क्या हालात हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ बनाने का आखिरी मौका आजमगढ़ के लोगों के पास। कोई बात नहीं है, वो तो जिसने भी जो कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर है। अब जनादेश थोड़ी देर में अब चल ही रहा है ना, आपको आइडिया हो जाएगा, 12-1 बजे तक रुकी है। स्थानीय है, इसका भी लाभ मिलने वाला है? स्थानीय का लाभ कितना मिलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ईमानदारी और डिवोशन का लाभ ज़रूर है मुझे। बात करने के लिए तो गुड्डू जमाली हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो स्थानीय हैं और निश्चित रूप से उनके डिवोशन का, उनकी निष्ठा का लाभ उनको इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP News, आजमगढ़।